नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शो करंट अफेयर में। दिन की शुरुआत करेंगे करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। किसने ब्रांड जेट टॉप 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड्स 2020 रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? TCS, LIC, HDFC बैंक, एयरटेल। इस क्वेश्चन का जवाब जानेंगे और दिन के ताज़ा खबरों के साथ रूबरू होंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपको मेरी करंट अफेयर पे की गई मेहनत पसंद आ रही हो और वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन बेहतर मिल पा रहा हो तो लाइक का बटन दबा के जो है प्रोत्साहन और उत्साह दिखाइए। और मेरा दिन का जो लाइक का टारगेट है वो 500 लाइक का टारगेट है। इसे पूरा करने के बाद मैं वीकली करंट अफेयर लेके आऊँगा आप लोगों के बीच में। तो दिन की शुरुआत में हम डिस्कस करते हैं कुछ विचार। आज का विचार है, स्माइल इज़ द प्रिटीएस्ट थिंग यू कैन वियर। स्माइल वो ऐसी मधुर चीज़ है, बेहतर चीज़ है। मैं स्माइल कर करके बता रहा हूँ, मतलब ये सबसे प्रिटीएस्ट चीज़ है जिसको आपको पहनना चाहिए और मुस्कुराते रहना चाहिए, चाहे आपका अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो, और ये आपको थोड़ा मजबूत बनाती है। सो स्माइल करते रहिए। चलिए करंट अफेयर के क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन हमारा है, किसने ब्रांड जेड टॉप 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड 2020 रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? पहले तो आप एक बात समझिएगा कि सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड्स, ब्रांड जेड टॉप, ब्रांड जेड जैसा कि नाम है ना कि भाई साहब कौन सी ब्रांड जो है वर्ल्ड वाइड सबसे बेहतर है। तो एक जो है रैंकिंग निकाली गई, रैंकिंग में जो है एप्पल ने टॉप किया है और एप्पल तो एप्पल ही है, सभी को पता है कि इसकी जो ब्रांड वैल्यू है सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में किसने टॉप किया है? भारत में HDFC बैंक ने टॉप किया है। थोड़ा सा जो है इस MCQ को लेके थोड़ा सा डिटेल लेंगे ताकि आप लोगों को ये जो है हमेशा याद रह जाए। एक तो पहले आपको याद रखना है कि जो रैंक में टॉप पे गया है वर्ल्ड वाइड ब्रांड वैल्यू को लेके, एप्पल ने टॉप किया है और भारत में जो है HDFC बैंक ने किया है। तो 75 सबसे बड़ी कंपनियों का ये क्या किया गया है, ये एक लिस्ट निकाली गई थी और इसमें HDFC जो है सबसे जो है मूल्यवान भारतीय जो है ब्रांड स्थापित हुई है। और एक्चुअली क्या है कि इसकी जो ब्रांड वैल्यू है इस समय पे $20.3 अरब है। आप एक बार समझ रहे हैं, एक होती है वैल्यूएशन, एक होती है ब्रांड वैल्यूएशन। तो इसकी जो ब्रांड वैल्यूएशन है, अगर ये ब्रांड बेचा जाए पूरी तरीके से HDFC बैंक को, कोई अगर बाई करेगा तो करंट उसका जो मार्केट प्राइस है $20.3 अरब है। सो ये इसकी ब्रांड वैल्यू है। और अगर हम बात करें कि भारत के टॉप 10 ब्रांड्स में से दूसरे स्थान पे आपकी LIC रही है, फिर TCS रही है, फिर एयरटेल रही है, फिर एशियन पेंट्स रही है, फिर कोटेक रही है, फिर महिंद्रा बैंक रही है और फिर जाके जियो आया है। जियो का इतना चर्चा चला है लेकिन भारतीय ब्रांड में अगर बात किया जाए तो अभी भी ये बहुत पीछे है। LIC दूसरे नंबर पे है, TCS तीसरे, एयरटेल चौथे, एशियन पेंट्स पांचवे, कोटेक छठवें पे और सातवें पे जियो का नाम है, फिर फ्लिपकार्ट है, फिर पेटीएम है और फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांड वैल्यू भी नीचे है। तो आप समझ रहे हैं ना कि एप्पल सबसे ऊपर है और HDFC बैंक, मतलब ये सबसे मूल्यवान बैंकों में से एक आती है अपनी ब्रांड वैल्यू को लेके। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। ये देश के जो निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक है, HDFC बैंक है, ये जो है भारत में टॉप ब्रांड वैल्यू रखने वाली बैंक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में समथिंग करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। एक बात ये देखिएगा कि आजकल जितने भी ओपनिंग हो रही है, जिन जिन चीज़ों का उद्घाटन हो रहा है, सब जो है डिजिटली हो रहा है, कहीं पे कोई प्रेजेंट नहीं हो रहा है। इनॉग्रेशन क्या हो रहा है, हम डिजिटली बैठ के सब इनॉग्रेट करे दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 राजमार्ग परियोजनाओं का क्या किया, शिलान्यास किया है। अब पूछा जा रहा है कि जो अमाउंट है वो क्या है, ये 14,258 है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इतना एग्जैक्ट डेटा नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि 14,258 जो अमाउंट है करोड़ रुपए लगा के जो है कितने राजमार्ग परियोजनाओं की जो आधारशिला रखी प्रधानमंत्री मोदी ने, तो 9 राजमार्ग। तो दोनों डेटा आप याद रख सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। थोड़ा सा डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। पीएम मोदी लेट फाउंडेशन स्टोन फॉर 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स इन बिहार। ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है, बिहार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आजकल जो भी आप न्यूज़ देख रहे हैं इसमें बिहार की बड़ी चर्चा हो रही है क्योंकि जल्दी ही बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो ये एक तरीके से जो है वहाँ के जो लोग हैं उनको लुभाने की भी कोशिश की जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में 14,258 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 9 राज्य मार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। 350 किलोमीटर ये परियोजनाएं जो है लंबी होने वाली है। ये इतना इस परियोजना में 350 किलोमीटर का निर्माण होने वाला है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने एक और काम किया है, घर तक फाइबर, ये एक मिशन है कि हर घर तक फाइबर पहुंचाना है उनको। इस मिशन, इस परियोजना का भी उद्घाटन किया हुआ है। और इस परियोजना के तहत 45,945 गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा सकता है।
अब ये जो परियोजना है, ये मेरा मानना है कि सबसे सही और सटीक परियोजना है। अगर हम फाइबर कनेक्शन से अपने गांव, अपने देहात, अपने विलेज सबको जोड़ दें, तो इस वक्त जैसे COVID-19 के महामारी में आपको पता है एजुकेशन अच्छा नहीं मिल पाया और स्कूल कॉलेजेस बंद है, लेकिन आपको एक बात ये भी पता है कि हमारे गांव में जो शिक्षा का स्तर है अभी भी बेहतर नहीं है। जो डिजिटल एजुकेशन है, डिजिटल एजुकेशन ने एक काम ये कर दिया है कि इस वक्त एजुकेशन बहुत सस्ता हो गया है। अगर डिजिटल एजुकेशन की बात करें, पहले जिस कोर्स को पढ़ने के लिए आपको 10,000 पे करने पड़ते थे, बाहर जाके रहने खाने का पैसा अफोर्ड करना पड़ता था, लेकिन अब जो डिजिटल एजुकेशन चल रहा है, इससे क्या है कि 1,000 रुपये में आप SSC का कोर्स पढ़ सकते हो, वो भी टॉप क्लास के एजुकेटर से आप पढ़ सकते हो। इसी तरीके से आपके जो है ITJEE और मेडिकल के प्राइसेस सस्ती हो गए, इसी तरीके से आपके कैट के एग्जाम सस्ते हो गए, लगभग हर एग्ज़ाम के प्राइसेस सस्ते हो गए हैं। और ये अगर फाइबर जो है घर तक, अगर सारे घर तक पहुंच जाएगा, तो सब डिजिटलाइज हो जाएंगे और फिर घर बैठे वो ई एजुकेशन का फायदा ले पाएंगे। तो ई एजुकेशन का उनको फायदा तो मिलेगा मिलेगा, ई एग्रीकल्चर का फायदा मिलेगा। आपको पता है कि हमारे किसान भाई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो अपनी उपज, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि नॉलेज की कमी होती है। जो टेक्नोलॉजी हमारे पास शहरों में है, शहर से गांव तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसे जल्दी पहुंचाया जा सकता है, उनको नॉलेज इंपार्ट किया जा सकता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो बट ऑब्वियस बात है कि हमारे फार्मर भाइयों का जो है सुधार होगा। और मैं यूँ तो नहीं कहूँगा कि मैं किसान का बेटा हूँ, क्योंकि मेरे पापा किसान तो नहीं थे, पर ट्रक ड्राइवर ज़रूर थे। और पुराना जो हमारा परिवार है वो गांव से है, तो मतलब मैंने पर्सनली, मेरे पापा ने किसानी की है कि नहीं की है मुझे नहीं पता, पर्सनली इंटरमीडिएट तक पढ़ने तक मैंने गांव में भाई साहब बहुत खींची। आपने पता है, अगर आप में से कुछ लोग अगर गांव के रहने वाले हो तो आपको पता है कि एक होती है हमारी गाय को काटने के लिए बरसिंग बोली जाती है, बरसिंग काटना होता है, चारा बालना होता है, घास काटना होता है, उनके लिए चारा का काम होता है, कभी आपकी दर गेहूँ उगता है, कभी प्याज उगता है, कभी आपने उसका रोपड़ किया है, ये सारा का सारा काम मैंने 12th स्टैंडर्ड तक कर रखा है। और आप में बहुत सारे लोग ये काम करते होंगे, तो टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँचने से बहुत फायदा होने वाला है। टेलीमेडिसिन हो सकता है, टेलीलॉ हो सकता है, तो हर तरीके से क्या हो सकता है, डिजिटली सारा काम बेहतर हो सकता है और हम कंट्री वाइज, नेशन वाइज बहुत ग्रो कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो घर तक फाइबर का ये मिशन है, अगर ये पूरा कर पाएँ तो और बेहतर बात है। तो ये रहे छोटे से डेटा, और होप्स हो कि जो हमारे सपने हैं वो जल्दी पूरे हों, प्रधानमंत्री जी और बेहतर काम कर पाएँ। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज श्रेणी में किस TV श्रृंखला ने एमी पुरस्कार जीता है? एमी पुरस्कार बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का पुरस्कार है जो फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री में लोगों को दिया जाता है। तो यहाँ पे ओजार्क, स्ट्रेंजर थिंग्स, सक्सेशन और द क्राउन है। तो सक्सेशन को ये जो प्राइज़ है ये मिला है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल लेंगे कि ये एमी पुरस्कार में क्या क्या और चीज़ें हो। तो 72वां एमी पुरस्कार की घोषणा हुई है। क्या है, 72 में एमी पुरस्कार की घोषणा हुई है, लॉस एंजलिस में हुई है, कैलिफोर्निया अमेरिका में 21 सितंबर को की गई है। और इस दौरान जो है पुरस्कार समारोह को एमी में आउटस्टैंडिंग जो है ड्रामा सीरीज दिया गया है किसको, और ये जो ड्रामा सीरीज है नाम है सक्सेशन, आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज, ये सीरीज कैसी ड्रामा सीरीज है, इससे सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड शो में वॉचमैन सबसे ज़्यादा नामित होने वाली शोज में से एक था, जबकि इस सिट क्रिक्स को सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं। और एमी पुरस्कार एक टेलीविजन मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इस पुरस्कार को एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस, नेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस द्वारा प्रदान किया जाता है। ये जो है प्रदान करने वाली जो है एजेंसी संस्था का नाम है। और अभी आपको याद रखना है क्या, कि कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमी जो पुरस्कार है वो किस लिए, टेलीविजन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और इस बार जो है किसको जो है पुरस्कार मिला है, सक्सेशन को मिला है, और जो आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज मिला हुआ है। और इसमें और भी कई सारे पुरस्कार मिले हुए हैं, उन पुरस्कारों की श्रेणी देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज जो है रही है वो सक्सेशन रही है। सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड सीरीज कौन सी रही है, लिमिटेड एडिशन सीरीज आती है वो वॉचमैन रही है। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज कौन सी रही है, सिट्स क्रीक रही है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा सीरीज, अगर बात करें ड्रामा सीरीज में सबसे ज्यादा जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जेरमी स्ट्रॉन्ग को मिला है, सक्सेशन के लिए बेसिकली इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा सीरीज की बात करें तो जेंडिया को मिला है, यूफोरिया के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कॉमेडी सीरीज की बात करें तो यूजेनी लेवी को मिला है, और ये क्रिक के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कॉमेडी सीरीज बोले तो कैथरीन ओहारा को मिला है, और ये भी क्रिक के लिए मिला है। तो ये कुछ डेटा है आपके डेटा आपके एग्जाम में, मतलब इन डेप्थ बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएगा। मेन आपको जो पूछा जाएगा, सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज किसे नवाजा गया है, या सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड सीरीज कौन सी थी, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज, लेकिन ये डेटा आप स्टोर रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे। कृषि भवन जिसने हाल ही में ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन अवार्ड जीता है किस राज्य में स्थित है? बेसिकली ये ओडिशा राज्य में स्थित है। कृषि भवन एक बिल्डिंग बनाई गई है, इसका आर्किटेक्चर इस तरीके से बनाया गया है कि ये आर्किटेक्चर बनाते वक्त लोगों ने ध्यान दिया है, बनाने वाले ने ध्यान दिया है, आर्किटेक्ट वाले ने ध्यान दिया है कि इस भवन का निर्माण जो है ऐसा किया है कि उसमें साफ साफ जो है
दिखाई देता है एग्रीकल्चर के काम। जैसे मैं आपको फिगर दिखाऊं फिर आपको समझ में आएगा। ये देखिए सुंदर सा भवन बनाया गया है, मतलब भवन अलग से है, ऊपर से सब पूरा का पूरा जो है पेड़ पौधे लगाए गए हैं, ये पूरा का पूरा बेहतर तरीके से इसकी जो है कलाकारी की गई है। और इस भवन का नाम जो है क्या रखा गया है, कृषि भवन। और ये फार्मर से इंस्पायर्ड है और उड़ीसा में कहा किया गया है। और उड़ीसा में कहाँ पे है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। तो आर्किटेक्चर और डिजाइन के व्यापक स्पेक्ट्रम में उत्कृष्ट कार्य के लिए आर्किटेक्चर और डिजाइनर को ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिजाइन अवार्ड भी मिला है। इस चीज को लेके ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिजाइन अवार्ड भी मिला है इस काम के लिए। इसमें 50 से अधिक श्रेणियों के पुरस्कार हैं। हाल ही में भुवनेश्वर स्थित कृषि भवन को पीपल्स च्वाइस विजेता के रूप में भी चुना गया है। मतलब ये लिटरली बहुत सही से बिल्डिंग बनाई गई है, इस वजह से इसको जो है जो नाम दिया गया है और जो है कृषि भवन दिया गया है बेसिकली। और इसको देख के यार बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि यार कितनी तगड़ी और सही से कलाकारी होती है। तो जो आर्किटेक्चर था वो भाई फार्मर से इंस्पायर्ड था और उसी से इंस्पायर्ड होकर इसको जो है कृषि भवन बनाया गया है। सो ओडिशा के भुवनेश्वर में ये बना हुआ है और इसने कई सारे जो है अवार्ड जीते हैं, लाइक ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन अवार्ड जीता है और पीपल्स च्वाइस अवार्ड जीता है, क्योंकि लिटरली देखने में ही बड़ा खूबसूरत है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, ओडिशा में है, ओडिशा के में है। और उड़ीसा के विषय में कुछ जानकारी ले लेते हैं। पहले तो कैपिटल भुवनेश्वर है, जैसा कि डिस्कस किया, जो सीएम है नवीन पटनायक है, गवर्नर है गणेशी लाल, यहाँ के गवर्नर है। तो आप सीएम और गवर्नर का नाम याद रखिएगा। और जो अगर बात करें जो उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट जो है 3 है, लोकसभा सीटें 21 है, राज्यसभा की सीटें जो है 10 है। ऑफिशियल लैंग्वेज अगर ओडिया यहाँ की कही जाती है। बॉर्डर अभी तो मैं फिगर में दिखा दूंगा, स्टेट ट्री इंडियन फिग ट्री है। और अगर फ्लावर की बात करें तो अशोका है, स्टेट बर्ड की बात करें तो इंडियन रोलर है। अब अगर आप देखना चाहेंगे कि इसमें कुछ जो है नेशनल पार्क और वाइल्ड अप सेंचुरीज वगैरह है, ये PDF डाउनलोड करके जो है और रीड कर लीजिएगा। उड़ीसा देखो ये जगह है, ये उड़ीसा ये जगह है। अगर मैं बात करूं देखो झारखंड यहाँ पे है, इससे जो सटा हुआ है वेस्ट बंगाल दूसरा है, छत्तीसगढ़ दूसरा है और तीसरा है आंध्र प्रदेश। तो 4 स्टेट हैं जिससे ये कवर करता है। तेलंगाना बहुत बाजू में है लेकिन इससे टच्ड नहीं है, यहीं से कम वो कट हो जाता है। तो आपका आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है, छत्तीसगढ़ सटा हुआ है और झारखंड सटा हुआ है और वेस्ट बंगाल सटा हुआ है। वैसे तो इंडिया का नक्शा आपको प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपको बहुत मदद करता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंडिया का जो नक्शा आपको याद होना चाहिए, वर्ल्ड का मैप इन डिटेल याद होना चाहिए और इंडिया का नक्शा इन डेप्थ याद होना चाहिए। फिर हम अगर बात करें, अगली जो न्यूज़ है, इंडियन रेलवे स्वच्छता पखवाड़ा मना रही है। कब? 16 से 30 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रही है। अब इसमें होने क्या वाला है, ये एक तरीके का दिवस है। इस वीक के अंदर प्लास्टिक जो कचरा है इसका प्रबंधन को लेकर व्यवस्था की जाएगी। जो स्टेशन पे, ट्रेन पे, पटरियों पे, कॉलोनियों पे किसी भी तरीके का जो है कचरा होता है, कचरा को प्रबंधन किया जाएगा, कचरे को जो है साफ किस तरीके से किया जाएगा। तो एक स्पेशल जो है डेज निर्धारित कर दिया जाएगा कि इस दिन पे विशेष कर इन्हीं सब चीज़ों को लेके हमें ध्यान देना है। तो इस टाइम पे प्लास्टिक के जो कचरे होते हैं इनके प्रबंधन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा स्वच्छता पखवाड़ा में। अब एक बात ये समझिए कि प्लास्टिक जो चीज़ होती है वो डिग्रेडेट नहीं होती है, वो ख़त्म नहीं होती है, इसका रूप परिवर्तित करना पड़ता है। क्योंकि ये जो प्लास्टिक है ये कचरे के फॉर्म में जब इन्वायरमेंट में जाती है तो पोल्यूशन फैलाती है और ये डिग्रेडेट नहीं होती और हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो हानिकारक है। और आपको पता है हम जब भी रेलवे यूज करते हैं तो क्या होता है, प्लास्टिक की बोतल पानी पीते हैं, रेलवे स्टेशन में फेंक देते हैं, यहाँ फेंक देते हैं, वहाँ फेंक देते हैं। तो इसका प्रबंधन बहुत जरूरी है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो पखवाड़ा जो स्वच्छता पखवाड़ा जो मनाया जा रहा है 16 से लेकर 30 सितंबर तक, इसमें इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इसमें एक और काम की जा रही है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के साथ मिलकर जो है उत्तर रेलवे के माध्यम से रेलवे बोर्ड स्वच्छता और पर्यावरण विषय पर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करने वाला है। तो बेसिकली ये डिजिटल एक प्रोग्राम है और जिसमें लोगों को अवेयर किया जाएगा किस तरीके से आप कचरे का प्रबंधन करें एंड ऑल, बस बेसिक जो चीज़ है वो यही है। तो आपको याद रखना है कि स्वच्छता पखवाड़ा 16 से 30 सितंबर तक जो है मनाया जाने वाला है। तो ये इंडियन रेलवे ये स्वच्छता पखवाड़ा मनवा रही है। तो ये डेट पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला है, पीएम मोदी IG नोबल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन से भारतीय प्रधानमंत्री हैं? तो बेसिकली ये दूसरे प्रधानमंत्री है। तो अगला सवाल ये आता है कि पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है ये पहले प्रधानमंत्री रहे हैं जिनको IG नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री जी को IG नोबल पुरस्कार क्यों दिया गया है बेसिकली आपको समझना होगा। आपको पता है COVID-19 ये एक महामारी भी करेंटली चली रही है, हम सब लोग फेस ही कर रहे हैं। COVID-19 को ख़त्म करने के लिए जो मेन रोल होता है वो हमारे साइंटिस्ट लोगों का होता है, वो लोग इसकी वैक्सीन बनाते हैं। और लेकिन इनको इसी काम के लिए
कोविड-19 से फाइट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए आईजी नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखो, दो तरीके से जो है इस महामारी को दूर किया जा सकता है। एक तो ये कि महामारी होने के बाद वैक्सीन दिया जाए, और दूसरा ये कि महामारी होने से ही बचा लिया जाए। तो मोदी जी को जो सम्मान आईजी नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो इस वजह से किया गया है कि आपको पता है कि इन्होंने क्या किया, लॉकडाउन लगाया है। जो हमारा इंडिया का कल्चर है वो इतना खतरनाक है, इतना हम लोग इतना घनिष्ठ रहते हैं, इतना मिलजुल के रहते हैं कि अगर मैन टू मैन कोई ट्रांसमिशन हो रहा है तो एक आदमी को हुआ तो हमारा पूरा का पूरा देश जो है 2-3-4 महीने में ही समझ जाता। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम बढ़िया वाली चलाई कि हमारे गाँव पे, ग्रास रूट लेवल पे भी लोगों को पता है कि भाई कोविड जैसी महामारी है। सो बेसिकली जो है कोविड-19 महामारी के जरिए दुनिया को सीख देने कि वैज्ञानिकों के अलावा राजनेता भी लोगों के जीवन को बचाने में हम भूमिका निभा सकते हैं। इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए इनको आईजी नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और पीएम मोदी आईजी नोबल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें परमाणु परीक्षण के बाद शांति की वकालत के लिए संयुक्त रूप से पाकिस्तान के जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उनके साथ आईजी नोबल पुरस्कार से जो है नवाजा गया था। तो आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी शांति को लेके बहुत वो थे कि हाँ भाई लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, और उनको पता है कि 1999 में कारगिल युद्ध जो है हम लोगों ने जो है लड़ाई पाकिस्तान के साथ जीता भी है। तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे थे कि देखो हम लड़ाई तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर कोई लड़ाई करेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं, काट देंगे वाली फीलिंग रहती है। लेकिन हमारे मोदी जी का शक्ल देख के ऐसा लगता है, इनका फेस देख के लगता है देखो हमारी तरफ आँख मत दिखाना, नहीं नोच लेंगे। और गुजरात से ही लोग जो है बिल्कुल टेरर में रहते हैं कि दुनिया में सबको आंख दिखाना, मतलब आप समझ लो कि हमारे ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको कोई पत्रकार जो है इंटरव्यू सही से नहीं ले सकता। अगर वो लेने भी जाएगा तो डर का बैठा रहता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया जाए और अगले दिन साफ हो जाए। आपने कभी भी इंटरव्यू देख लो, जब इनका इंटरव्यू होता है भाई हमें पत्रकारों के ऊपर दया आने लगती है कि भाई ये पहुँच कैसे गए हैं। और आपको पता है एक बार अक्षय कुमार इनका इंटरव्यू लेने गए थे, सवाल ही देख देख के भाई साहब क्या मजे लूटे गए थे। थोड़ा सा और अच्छा जान लेते हैं, और ये तो जो सपाट रहा है। पीएम मोदी के साथ बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे देश के राजनेता लोग हैं, बहुत सारे देशों के प्रधानमंत्री हैं, बहुत सारे देशों के राष्ट्रपति हैं, उन सबको साथ में जो है आईजी पुरस्कार से नवाजा गया है। तो पीएम मोदी के अलावा अगर हम बात करें तो ब्राजील के जायर बोलोनासारो, यूनाइटेड किंगडम के बोरिस जॉनसन, मैक्सिको के आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, बेलारूस के अलेक्जेंडर लुकाशेंको, यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप, तुर्की के रेसेपे तैयप एर्दोगन, रूसी के व्लादिमीर पुतिन, रूसी नहीं रूस क्योंकि नाम भी बड़े अजीब अजीब से है, रूस को रूसी, मतलब एक तो चलो ठीक है इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो पढ़ ना पाए, यहाँ तो हिंदी का प्रोनाउंसिएशन इतना भयानक भयानक है कि अगर हम जो हमारे देश में लोगों के नाम है वो तो बड़े सरल सरल रहते हैं, लेकिन अगर हम विदेशों के नेताओं के नाम अगर हिंदी में पढ़ने लगे तो भाई साहब क्या क्या नाम है। तुर्कमेनिस्तान के जो है गुरबंगुली, नाम सुन रहे ना, गुरबंगुली वर्दी मुहम्मदोवेद, भाई साहब क्या नाम है यार, क्या क्या जोड़ा गया, साथ इस पुरस्कार को साझा करेंगे। तो ये राजनेता है कुल मिला रखिए, इतने राजनेताओं के नाम आपको याद नहीं करने, आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, जो पूछेगा वही पूछेगा, या तो आईजी पुरस्कार से पहला कौन नवाजे गए थे भारतीय, या फिर जो प्रधानमंत्री जी को कौन सा नंबर का आईजी पुरस्कार मिला है तो दूसरा मिला है, अटल बिहारी वाजपेयी को पहला मिला था। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने संयुक्त रूप से जो है आईजी नोबल शांति पुरस्कार 2020 जीता था, और ये बड़ी बात है कि 2020 में भारत और पाकिस्तान एक साथ पुरस्कार, वो भी शांति का पुरस्कार जीत रहे, जहां पे शांति है ही नहीं है। पर याद रखने के लिए जोक सपाट। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मंत्रालय ने डैश सर्वाधिक प्रभावित जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है, ये कितने से जिले हैं? तो 272 ऐसे जिले हैं जिसको जो है पॉइंट आउट किया गया है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी डिटेल लेके चलते हैं। 272 ऐसे जिले हैं जो सबसे ज़्यादा नशे से प्रभावित हैं, उनको चिन्हित किया गया है, और चिन्हित करने के बाद जो है उनमें जो है नशा मुक्ति अभियान चलाया जाना है। हाँ मैं राइट था, मंत्रालय ने 272 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में नशा मुक्ति भारत अभियान की जो है शुरुआत की है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना NAPDDR, ये संस्था का नाम है, 2018-2025 लागू कर रही है, ठीक है। NAPDDR का उद्देश्य बहुप्रचारित रणनीति के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग को, प्रतिकूल प्रभावों को जागरूक करना है, लोगों को उसका जो है प्रभाव बता बता के कम करना है। तो बहुप्रचारित रणनीति है, इसमें प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से होने वाला है कि भाई साहब जो नशा ले रहे हो उस नशे से आपकी सेहत को बहुत नुकसान होने वाला है। लेकिन पहले भी गवर्नमेंट कई सारी स्कीमें निकाल चुकी है, बहुत सारे लोग अपेयर हुए हैं, और आपको पता है कि कोविड-19 की महामारी में एजुकेशन बंद रखा गया है, लेकिन शराब के ठेके चालू रखे गए हैं। तो ऐसे केसेस में इस तरीके के जब भी अभियान लेके आते हैं तो शक यही होता है कि क्या वो कागज़ पे ही, क्या ही वो पन्नों पे ही अभियान रह जाएगा, लोगों तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो कुल मिला जुला के आप ऐसे समझो 272 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में नशा मुक्त भारत
अभियान की शुरुआत हुआ है, ठीक है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसको एनसीबी बोलते हैं से मिले इनपुट और मंत्रालय द्वारा किए गए व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर जिलों का चिन्ह किया गया। अब एनसीबी बेसिकली क्या करती है, वो यही बताती है, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है तो यही तो जो है ड्रग्स वगैरह की, हाँ, कितना नशा चल रहा है, किस जो है स्टेट में, किस सिटी में कितना ज़्यादा है। तो 272 जो सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं उनको पॉइंट आउट किया गया है और सर्वेक्षण किया गया है और उस हिसाब से ये अभियान चलाया जा रहा है। तो अभियान 15 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक चलाया जाएगा और इसमें जो चिन्हित जिले हैं, 272 चिन्हित जिले हैं जिनमें नशा मुक्ति अभियान चलाया जाना है, ये याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अनिल अग्रवाल, सीमांचल दास, राहुल सचदेवा, मोहन त्यागी। अब थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं। देखो, भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सीमांचला दास ये पहले भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी थे, इनको IMF के कार्यकारी निदेशक सलाहकार के रूप में वो किया गया है। और IMF का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, इनकी जो समयावधि है वो 3 साल तक रहने वाली है। तो इनका नाम याद रखिएगा कि IMF के क्या है, ये कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में अपॉइंट होने वाले हैं। अधिकारी का नाम जो है सीमांचला दास है, इससे पहले भारतीय राजस्व सेवा के ये वरिष्ठ अधिकारी रहे हुए हैं। इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन पर डिस्कस किया जाए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि उनकी सरकार देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करेगी? इनको देखने के बाद हमको हमेशा फिल्म सिटी जो है, तो हमारे जो है खुद के जो है क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर योगी जी याद आ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ये डिसाइड किया है। अरे बहुत तेज तर्रार हैं भाई साहब, मोदी की तरह ये भी कम नहीं है और बहुत अकड़ू हैं भाई, इनसे भी बहुत लोगों को डर लगता है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में देश को एक अच्छी फिल्म सिटी की आवश्यकता है। बट ऑब्वियस बात है, फिल्म सिटी के लिए जो उन्होंने क्या मायावती की देन है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, ये आपके जो है ये देन है किसकी, ये आपकी जो है हमारे इधर जो साइकिल वाले भैया हैं उनकी देन है, यादव जी की देन है। तो ये जो है फिल्म सिटी बनाने के लिए सबसे बेहतर क्षेत्र होंगे, या फिल्म सिटी फिल्म निर्माताओं को एक बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएगी। और अगर भाई अगर यहाँ पे फिल्म सिटी बनती है तो बहुत सारा, बट ऑब्वियस बात है, रोजगार उत्पन्न होगा और बहुत सारा बेहतर काम हो सकता है। तो ये सराहनीय काम है कि चलो हमारे उत्तर प्रदेश में भी कुछ हम देख सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर को देश का सबसे बड़ा फिल्म सिटी जो है बनाने का जो है इनका सपना है और इसी की ओर ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, यूपी गवर्नमेंट ने जो है सबसे बड़ा फिल्म सिटी बनाने का जो है कार्यभार उठाया है, संभाला है। भारत के पहले CRISPR COVID-19 जांच का नाम क्या है? गोरा, बायोमेकेश, विमला, फेलुदा। तो फेलुदा नाम है इसका जो है, और फेलुदा ये नाम है DCGI अप्रूव्ड द कॉमर्शियल लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट CRISPR COVID-19 टेस्ट। ये एक तरीके का टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, ये बहुत तेजी से जो है इसका टेस्ट आता है और इसका नाम रखा गया है फेलुदा। तो भारत के औषधि महानियंत्रक ने टाटा क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ये इतना बड़ा नाम है, क्लस्टर रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, जिसको शॉर्ट में CRISPR बोल सकते हो, CRISPR बोल सकते हो, COVID-19 जांच फेलुदा को वाणिज्यिक रूप से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये एक तरीके का टेस्ट है, और टेस्ट की टेक्निकलिटी की बात करें और अगर टेस्ट में और इन डेप्थ डिटेल बात करें कि किस तरीके से टेस्ट होता है, किस तरीके का फंक्शन होता है, तो ये किसी सेपरेट वीडियो में इसको समझेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है कि ये जो है फेलुदा नाम से जो प्रोडक्ट है लॉन्च किया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार इस जाँच से कोरोना वायरस का अधिकतम सटीकता से पता चलता है। कोरोना वायरस के लिए मतलब आपने सुना होगा कि बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं और टेस्ट में जो है जो सही और सटीक तरीके से जांच नहीं मिल रही है। तो फेलुदा से जब आप टेस्ट होगा, ऐसे याद रख सकते हो, फेलुदा से जब टेस्ट होगा तो कोरोना वायरस की एग्जैक्ट और सटीक जांच मिलेगी। तो CRISPR जांच दुनिया की ऐसी पहली जांच व्यवस्था होगी जिसमें कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए CASN नामक एक खास प्रोटीन का उपयोग किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फेलुदा में किस प्रोटीन का उपयोग किया गया है, यह है CAS9 नामक खास प्रोटीन का जो है उपयोग किया गया है, ठीक है। इस तकनीकी के विकास के लिए टाटा समूह ने CSIR, IGAIB, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, ये नाम है IGAIB का, और ICMR के साथ मिलकर काम किया है। मतलब इन तीन एजेंसियों ने मिलकर बनाया है, एक फेलुदा नाम दिया गया है, आप इसे याद रखोगे फेलुदा, ज़्यादा बड़ा नाम याद मत रखो फेलुदा, और छोटा नाम याद रखो CAS9 नामक की खास प्रोटीन है। फेलुदा में पूछा जाएगा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है जो COVID-19 टेस्ट के लिए जो है अप्रूव की गई है, CAS9 नामक खास प्रोटीन जो है बनाई गई है। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन ये था कि
किसको अप्रूव किया गया, नाम क्या दिया गया, फेलुदा नाम दिया गया है, और दूसरा जो है कि फेलुदा के अंदर कौन सी प्रोटीन है, CS9 नामक जो है खास प्रोटीन है, इसी के द्वारा जो है टेस्ट होता है, और सबसे सटीक रिजल्ट देने वाली जो है ये टेस्ट है, कोविड टेस्ट है। निम्नलिखित में से किसने इटालियन ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब जीता हुआ है? कोरोलिना पोलिस्कोवा, सिमोना वेनस, नाओमी ओसाका, वीनस विलियम्स। ये देखो भाई साहब, नोवाक जोकोविच ये अर्जेंटीना के भाई साहब मेन हैं, ठीक है, और सिमोना हालेप ये जो हैं महिला हैं। तो नोकोवा जोकोविच ने अर्जेंटीना के डियोगो शॉर्ट्समैन इनको जो है हराकर 2020 मेन सिंगल इटालियन ओपन खिताब जीता है और कैरियर का 5वां रोम खिताब जीत लिया इन्होंने। वहीं वीमेन सिंगल में अगर बात करें तो सिमोना हालेप ने चैंपियन कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर अपना पहला इटालियन ओपन चैंपियन जीता है। तो महिला में सिमोना हालेप ने जीता है और मेल में नोकोवा जोकोविच ने जीता हुआ है। ये इनका 5वां था और इन महिला का भाई साहब पहला था। और इन्होंने किसको हराया? पहला है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराया है। किसको? कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराया है और इटालियन ओपन जो है जीत लिया है। तो ये दोनों नाम आपको याद होना चाहिए, इटालियन ओपन में मेंस में नोवाका जोकोविच ने और सिमोना हालेप महिला ने जीता हुआ है। इसके बाद अगर बात करें तो रोहतांग सुरंग का नाम किस प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? और इस वक्त की बात हो रही है तो या तो भाई साहब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा या तो भाई साहब प्रधानमंत्री जी के नाम पर रखा जाएगा, मोदी जी के नाम पे। तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये है क्या। ये देखो एक छोटा सा सुरंग है, फिगर दिखाई दे रहा है ना, बहुत बेहतर तरीके से बनाया गया है। तो 3 अक्टूबर को रोहतांग में अटल सुरंग का उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। कहाँ पे है? रोहतांग में, ठीक है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रोहतांग सुरंग का नाम अटल टनल रखा गया है। इसका नाम क्या रखा गया? अटल टनल, अटल टनल, इस टनल का नाम रखा गया भाई साहब। लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी राजमार्ग सुरंग है और यह 10,000 फीट से अधिक ऊंची दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। सुरंग के अंदर हर 500 मीटर की दूरी पर आपातकालीन निकास की व्यवस्था की गई है। 500 मीटर चलोगे तो एक आपातकालीन निकास है। सुरंग की चौड़ाई 10.5 मीटर है। चौड़ाई का मतलब ये डिस्टेंस जो है वो 10.5 मीटर है और हर 500 मीटर जैसे ही बढ़ोगे एक आपातकालीन दरवाज़ा दिया गया है बाहर निकलने के लिए। और ध्यान रखिएगा कि है कहाँ? लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में रोहतांग दर्रे में है। कहाँ पे है? रोहतांग दर्रे में है। अटल टनल पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के फॉर्म में, अटल टनल कहाँ पे है? रोहतांग दर्रे में है। फिर किस पर्वतारोही को स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता है? अपा शेरपा, अंग तेरिंग शेरपा, देंचिंग नोर्गे, अंगरिता शेरपा। मैं पहले तो इनकी फ़ोटो दिखाऊंगा आपको। देखो भाई साहब, ये अब हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन बड़े सटीक थे। ये नेपाल के लेजेंडरी माउंटेनर थे और अंगरिता शेरपा इनका पूरा नाम था। ये पर्वतारोही थे और लोग होता है क्या है कि जब एवरेस्ट पे चढ़ते हैं तो सपोर्ट में, बैकअप सपोर्ट में ऑक्सीजन लेके चढ़ते हैं, पर इन्होंने आज तक कभी भी जो है क्या किया, ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं लिया है और 10 बार ये चढ़े हैं माउंट एवरेस्ट पे। तो इनको स्नो लेपर्ड का इसी वजह से जो है ना खास नाम दिया गया था। तो आप इनको याद रख सकते हैं, स्नो लेपर्ड का नाम दिया गया था। 10 बार ये चढ़े थे बगैर ऑक्सीजन सपोर्ट के और ये बड़ी बात है। अंगरिता शेरपा इनका नाम है, नाम याद रहना चाहिए आप लोगों को। और उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो और अगर आपके कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।